तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर हमारा शायद चौथा या पांचवा टॉपिक है। ये बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर हमारा आगे का टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बिट मैप के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं वो बिट मैप के ऊपर सीखने वाले हैं। किसके ऊपर सीखने वाले हैं? बिट मैप के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है शायद चौथा या पांचवा टॉपिक होगा। दोस्तों ये वीडियो मैं लेकर के इसीलिए आया हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बोर्नियो सिमेटिक टूल के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में आपको सिखा सकूँ। इसमें से हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने कमेंट किया है कि सर आप इस टूल के बारे में मुझे अच्छे सिखा दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग पहले के जो नहीं सीख पाए, या बहुत ऐसे जो आज मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं अगर उनके पास टूल्स है, या बहुत ऐसे लोग हैं जो टूल्स लेना चाहते हैं इस टूल के बारे में, तो भी उस चाहते हैं कि हमको पहले जानकारी तो हो भाई किसी चीज के बारे में, तब हम लेंगे जब उसके बारे में जानकारी हो। तो जाहिर सी बात है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप बोर्नियो सिमेटिक को कैसे यूज कर सकते हैं और बोर्नियो सिमेटिक के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके सारी चीजें एक एक करके सारा जानकारी हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप ऐसे रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सिखाया जाता है। ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का तरीका सिखाया जाता है। बिल्कुल डीप लेवल तक की नॉलेज आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, बिट मैप के ऊपर। हम लोग सीखते हैं इस बिट मैप का क्या यूज होता है। सबसे पहली बात क्या है, ये बिट मैप जो सॉफ्टवेयर होता है ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें से क्या रहता है कि हमारे मोबाइल फोन का ऐसा पूरा पीसीबी बोर्ड ओपन हो जाता है, फ्रंट बैक दोनों बोर्ड ओपन हो जाते हैं। इस बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल से बात है, इस बोर्ड के अंदर हमको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है कि जैसे हमको मदरबोर्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग बोर्ड नहीं है, या मदरबोर्ड के अंदर किसी ट्रैक के बारे में पता करना है, या मोबाइल फोन के अंदर जो आईसियां लगी होती है वो आईसी की, मान लिया आईसी उतारते समय, आईसी रिवॉल्व करते समय उसका कोई प्रिंट उखड़ गया, वो उसकी सप्लाई कहाँ पर जा रही है, या मान लिया आपने देखा कि मदरबोर्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग के ढूंढने के लिए बहुत अच्छा तरीका दिया हुआ है इसमें से कि आप इसके माध्यम से मदरबोर्ड की शॉर्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से आप ढूंढ सकते हैं। देखिए बताता कैसे, पहली बात है मैं इसका आपको प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल सी बात है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ये पावर आईसी लगी, इस पावर आईसी के आगे एक क्वाइल लगी है, क्वाइल से सप्लाई निकल गई और दूसरी आईसी भी चली गई। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सारे ऐसे बोर्ड के अंदर डॉट 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 फॉर्म में आपको दिया होता है। अब आपके पास मोबाइल फोन आया, आपके पास प्लेट आई, उस प्लेट में आपने देखा, उस प्लेट में क्या देखा कि जैसे इसके अंदर शॉर्टिंग है। सर एक प्लेट लेकर कहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली दिखाता हूँ कि हमारे पास जो मोबाइल फोन की प्लेट आई, उस प्लेट के अंदर एक कंपोनेंट्स है, एक क्वाइल है, इस ट्रैक है, उस ट्रैक के अंदर आपको शॉर्टिंग मिल रही है। जब उस ट्रैक के अंदर शॉर्टिंग मिल रही है तो यार हमको ये दिक्कत आ रही है, ये लाइन कहाँ जा रही है। हम चाहे तो सर्किट के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके माध्यम से कितना इजी वे में देख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूं, आप लोग अच्छे से वॉच करिए। ये सारी वीडियो हम आप ही लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आप वीडियो के माध्यम से अच्छे से सीख सके और वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिल सके। भाई वीडियो मेरा देने का यही पर्पज है कि भाई आपको सीखने को मिले, अगर सीखने को नहीं मिल रहा तो मेरा वीडियो बनाने का क्या फायदा है। सर देखिए जैसे आप देखेंगे ये आपके मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी लगी है, पावर आईसी से मान लिया यहाँ से सप्लाई निकली, इस कॉइल से सप्लाई आगे निकल करके आगे चली जाएगी। लेकिन उसमें से कह रहा था, मान लिया हमने जब चेक किया मल्टीमीटर से चेक करने पर इस कॉइल के अंदर शॉर्टिंग आ रही, बीप आ रही, ग्राउंड से हमने चेक किया, मल्टीमीटर एक पिन को ग्राउंड पर रखा, यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर बीप आ रही। लेकिन बीप आने पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा इसकी लाइन कहाँ से निकल रही, कहाँ से होते हुए किस कंपोनेंट पर जा रही है। मान लिया आपने बोर्ड खोला, उस बोर्ड के अंदर ये दो कैपेसिटर आपके बीप दे रहे हैं, इधर से भी बीप दे रहे हैं, इधर से भी बीप दे रहे हैं। अब हमको ये देखना है यार ये कैपेसिटर हटा दिया, हटाने के बाद भी बीप आ रही है, बोर्ड के अंदर फिर भी बीप आ रही। अब हमको ये देखना है कि इस कैपेसिटर की जो सप्लाई है वो कौन सी आईसी से कनेक्टेड है, किस आईसी से उसकी सप्लाई जुड़ी हुई है, ये हमको चीज देखना है। तो ये हम लोग बिटमैप के माध्यम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं और बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको कैसे देखते हैं और इसके बारे में हम लोग समझेंगे।
तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बिट मैप के ऊपर, अपने टॉपिक को समझते हैं कि दोस्तों ये सारी वीडियो मैं आपको देता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो हैं ताकि आप वीडियो के माध्यम से आप सीख सकें, और इसी तरीके से अगर आप इसमें काम करेंगे तो आप बहुत अच्छी मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग सीख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। हम लोग सबसे पहली बात, मान लिया मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन आ गया, रेडमी का मोबाइल फ़ोन आ गया, ओप्पो वीवो का कोई भी मोबाइल फ़ोन आ गया। अब इसमें से लेकिन सभी मोबाइल फ़ोन के बिट मैप नहीं दिए होते, आप जिस मोबाइल फ़ोन के बिट मैप दिया होता है उस मोबाइल फ़ोन के बिट मैप को आप इसमें वॉच कर सकते हैं, मोस्टली काफ़ी हद तक इसमें से बिट मैप दिए होते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन का हमको सर्किट को देखना है। इसमें से बिट मैप देखिए ये ऑप्शन आता है, जैसे कल हम लोगों ने हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में समझा था, आज बिट मैप के बारे में। मैं आपको इसको मास्क भी कर देता हूँ, ये देखिए ये आपका बिट मैप का ऑप्शन आता है। इस बिट मैप के ऑप्शन में हम लोगों ने यहां पर क्लिक किया, ये हमने मेन बोर्ड खोला, मेन बोर्ड खोलते ही ऐसे हमारे फोटो खुल जाती है। फोटो खुलने के बाद हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया आपके मोबाइल फोन के अंदर ये पावर आईसी लगी है, इस पावर आईसी के माध्यम से कॉइल के माध्यम से सप्लाई आपके आउटपुट होती है। अब किसी चीज को देखना है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं, सभी लोग आप गौर से करिएगा। जैसे मान लिया आपने ग्राउंड से चेक किया, ग्राउंड से चेक करने पर इस कॉइल पे बीप आ रही, तो आपने इस कॉइल पे क्लिक किया, इस तरफ क्लिक किया, तो सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो इस पावर आईसी से सप्लाई निकली, इस पिन से सप्लाई निकली, कॉइल पे गई। कॉइल से निकलने के बाद यहां पर देखिए पूरा लिख क्या था, कंपोनेंट L0802 नेट फुट प्रिंट कंपोनेंट वैल्यू, ये सारी चीजें इसमें लिख करके आती है। फिर उसके बाद जब दूसरी साइड आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो दूसरी साइड क्लिक करने का मतलब होता है जब इस कॉइल से सप्लाई निकलेगी, और इस कॉइल से सप्लाई निकलने के बाद ये सप्लाई कहां पर जा रही है दोस्तों, तुम्हारी सीपीयू पे जा रही है। मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ बनाकर बताता हूँ, ये पावर आईसी है, पावर आईसी से करंट निकला, इस कॉइल से निकला, कॉइल से सप्लाई आउटपुट हो गई, ये आउटपुट होने के बाद तुम्हारे सीपीयू पे चली गई, कहां पे चली गई, सीपीयू। अब सीपीयू पे जाने के बाद और कहां जा रही है ये भी आपको दिखाई देगा, कहां जा रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया, मैं एक बार दोबारा कनेक्ट करता हूँ। इन सब चीजों को माउस से ऑपरेट करते तो ज्यादा बेहतर रहता है। देखिए तो वहां से सप्लाई निकलने के बाद इसमें बहुत सारे जैसे कैपेसिटर लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो भी कैपेसिटर लगे हैं ये हमारी सीपीयू की सप्लाई है, और इस सीपीयू की सप्लाई इन कैपेसिटर पे आ रही है, और कैपेसिटर के माध्यम से सीपीयू पे जा रही है। अगर मान लिया तुम्हारा ये कैपेसिटर अगर कोई भी शॉर्ट हो जाएगा, तो सबसे पहली बात आपको इसके लाइन के कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा, और इस कैपेसिटर को जो भी खराब होगा उसको आप बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर देंगे। बोर्ड से डिस्कनेक्ट करने से इसकी लाइन में शॉर्टिंग हट जाएगी, लाइन में शॉर्टिंग हटने से हमारे मोबाइल फोन में से सीपीयू लाइन की शॉर्टिंग हट जाएगी और आपका मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। एक बार मेरे पास मोबाइल फोन आया था, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो इसको हटाते ही मोबाइल फोन चालू हो गया। कैसे चालू हो गया, वो सीपीयू की लाइन का कैपेसिटर शॉर्ट था। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर इसके लाइन में तुमको कॉइल में शॉर्टिंग मिलती है, तो सबसे पहला प्राइमरी काम आप क्या काम करिए, ये जो कॉइल लगी है इस कॉइल को बोर्ड से हटा दीजिए। जैसे कॉइल को बोर्ड से हटा देंगे, तो कॉइल से बोर्ड से हटाने के इसके फिर दो हिस्से हो जाएंगे। कितने हिस्से हो जाएंगे दोस्तों, दो हिस्से हो जाएंगे। एक तो सबसे पहला हिस्सा ये हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। जो पहला ये हिस्सा हो जाएगा, तो यहां से करंट निकलेगा कहां पर जाएगा, कॉइल पर जाएगा। कॉइल से करंट निकलने के बाद जो सीपीयू पे जा रहा है, तो हम लोग इसको हटाने से इसके हमारे दो हिस्से हो जाएंगे, दो ट्रैक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, दो ट्रैक हो जाएंगे। एक तो ट्रैक आपका ये हो गया, दूसरा ट्रैक आपका सीपीयू पे चला गया। किस पे चला गया, सीपीयू पे चला गया। तो अगर ये तुम्हारी कॉइल हटा देंगे, तो कॉइल हटाने से ट्रैक का दो हिस्से हो जाएंगे। अब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे रेड पिन को ग्राउंड पे,
आप ये देखेंगे इधर भी पारी की इधर भी पारी, अगर इस तरफ भी पारी तो इसका मतलब तुम्हारे पावर आईसी के अंदर ही शॉर्टिंग है, और अगर दूसरी साइड भी पा रही है तो दूसरी साइड भी पाने का मतलब होता है या तो तुम्हारे उसके जो कैपेसिटर्स लगे हैं उसमें से शॉर्टिंग है या सीपीयू के अंदर शॉर्टिंग है। अगर आपने मोबाइल फोन के अंदर इस कॉइल को हटा दिया और देखा कि सीपीयू की लाइन की तरफ भी पा रही है तो सीपीयू के अंदर शॉर्टिंग हो सकती है या उसके कैपेसिटर में शॉर्टिंग हो सकती है, तो सबसे पहले बात आप कैपेसिटर को चेक कर लीजिए, सारे कैपेसिटर यदि ओके मिलते हैं तो सीपीयू को उतार करके बाहर रखिए। सीपीयू को उतारने से अगर आपके इस कंपोनेंट के अंदर शॉर्टिंग हट जाती है, यहाँ पर शॉर्टिंग ठीक हो जाती है, तो फिर आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, सीपीयू को रिवॉल्व करके दोबारा लगाइए, नई रिवॉल्व से आपको उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके माध्यम से बहुत अच्छा शॉर्टिंग ठीक करने का तरीका इसके अंदर दिया हुआ है। मैं आपको और बताता हूं कि जैसे मान लिया मेरे पास मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन के अंदर ये मान लिया मेरा एलसीडी कनेक्टर लगा हुआ है, एलसीडी कनेक्टर उतारते समय हमसे उसका प्रिंट उतर गया, ये वाला प्रिंट है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन पानी में चला जाता है, पानी में जाने के कारण से ये पॉइंट गल जाते हैं, गलने की वजह से जब आप उसको उतारते हो तो कनेक्टर से ही खत्म हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। जब मिसप्लेस हो जाएंगे, मान लिया दो प्रिंट मिस हो गए, ये वाला, जब दोनों प्रिंट मिस हो गए तो हमको लगता है कि इसका सप्लाई कहां से जुड़े, क्योंकि ट्रैक भी ब्रेक है, तो हम लोग इसके माध्यम से खोल करके ओपन करके देख सकते हैं कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही बता रहा है कि ये वाली सप्लाई है जो इस कंपोनेंट पे जा रही है, इस फिल्टर पे जा रही है। इस फिल्टर के बाद फिर हम लोग जैसे दूसरे पे क्लिक करेंगे जैसे हम लोग दूसरी सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो दूसरी सप्लाई क्लिक करने के बाद ये हमारी सप्लाई कहां पर जाएंगी, इस फिल्टर पे जाएगी। तो ये हमारी कौन सी सप्लाई हो गई, पहली, ये हमारी सप्लाई कौन सी हो गई, दूसरी। तो दोनों सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर से जोड़ देंगे। कई बार ऐसा होता है फिल्टर खराब हो जाता है, तो आप इसका भी देखना चाहते हो कि फिल्टर की यहां से लाइन निकलेगी तो ये लाइन फिर कहां पर जा रही है, तो ये लाइन अगर आप देखेंगे तो ये लाइन सीधे आपके कहां पर जा रही है, सीपीयू पर जा रही है, कहां पर जा रही है दोस्तों, सीपीयू पर जा रही है। ये आपके डिस्प्ले का ग्राफिक लाइन है क्योंकि फिल्टर लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात, ये लाइन कहां से चलेगी, यहां से चलेगी, यहां से डिस्प्ले जाएगी, फिर इसके बाद सप्लाई आगे पास होगी, आगे पास होने के बाद फिर सीधी सीपीयू पे चली जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक जम्पर मार देंगे तो हमारे मोबाइल फोन में से ग्राफिक लाइन कनेक्ट हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। मान लो एग्जांपल सी बात कहता हूं, मेरे पास मोबाइल फोन बनने आया, मोबाइल फोन बनने के बाद हमने देखा कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर ये कैपेसिटर बीप दे रहे हैं, ये सारे कैपेसिटर बीप दे रहे हैं। अब जब ये सारे कैपेसिटर बीप दे रहे हैं तो हमको ये सोचने वाली बात आती है, ये कैपेसिटर कहां से कनेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे लाइन पे जैसे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर तुरंत खुल करके जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे कैपेसिटर जो कनेक्ट है। अच्छा, ये कनेक्ट है तो कौन से आईसी से कनेक्ट है ये भी देख लेते हैं। अगर आप इसी को वॉच करेंगे तो ये सारे कैपेसिटर सीपीयू से कनेक्ट है, कहां से कनेक्ट है, सीपीयू से कनेक्ट है, और सीपीयू से कनेक्ट है, सीपीयू के माध्यम से जो सप्लाई आ रही है कॉइल पे जा रही है, कॉइल के बाद सप्लाई जो हमारे दूसरे कॉइल पे जा रही है, कॉइल के सप्लाई पे कहां से कनेक्ट होगी, हमारे पावर आईसी से कनेक्ट होगी। ये देखिए, मतलब पावर आईसी से करंट निकल रहा है, कॉइल पे जाएगा, कॉइल से करंट आगे निकलेगा, आगे करंट वो हमारा सीपीयू पे चला जाएगा, लेकिन उसके लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर जो लगे हैं, अगर इनमें अगर कोई शॉर्टिंग हो जाएगी तो ये पूरा लाइन आपस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इस बिट मैप के माध्यम से हम लोग मदरबोर्ड के अंदर कोई भी सर्किट, कोई भी ट्रैक, कोई भी कनेक्टिविटी अगर ये खराब हो जाती है, अगर कनेक्टिविटी शॉर्ट हो जाती है, तो हम लोग इसके माध्यम से इजीली तरीके से मोबाइल फोन के अंदर शॉर्टिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, शॉर्टिंग को देख सकते हैं। जैसे मैं आपको और भी बताता हूं, किसी भी ट्रैक को देखना है, मान ली हैंड फ्री का जैक लगा हुआ है, हैंड फ्री के ट्रैक को देखना है, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो बता रहा है ये सप्लाई यहाँ पर आ रही है, जब ये आ रही है तो इसके बाद अगर देखेंगे तो पूरा ब्रैकेट बना था, ये पूरा कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है कि सप्लाई जब इधर आ गई तो आगे भी जाएगी, क्योंकि आगे का भी कलर येलो है, येलो होने का मतलब होता है सप्लाई आगे पास होते हुए चली जा रही है, और जैसे ही कलर डल हो जाता है या ग्रे कलर का हो जाता है तो समझ जाएंगे ग्राउंड है, वहीं से सप्लाई हमारी रुक जाती है क्योंकि कंपोनेंट हमारा पैलर में लगा होता है। हमने इस पर क्लिक किया, फिर इस पर सप्लाई आगे गई, आगे जाने के बाद ये दूसरे कंपोनेंट पर जा रही है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा ग्रे है, इसी से होते हुए ये कंपोनेंट पैलर में लगा, ये हमारा सीरीज पोजिशन में है। उसके बाद उस सप्लाई को जब आप आगे देखेंगे तो सप्लाई सीधे आपका इस
रजिस्टेंस पे जा रही, कंपोनेंट लगा मतलब रजिस्टेंस ही होगा, इस रजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा भी येलो है अगर आप देखेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वो सप्लाई बता रहा है कि पावर आईसी पे जा रही। अब समझा, पावर आईसी सप्लाई निकली रजिस्टेंस पे गई, रजिस्टेंस सीरीज पोजीशन में लगा, फिर आगे रजिस्टेंस मिला। तो इससे क्या रहता है कि हम लोग मदरबोर्ड के अंदर जो भी कोई ट्रैक होते हैं उस ट्रैक को स्टेप बाय स्टेप फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को 90% जितने नए टेक्नीशियन होते हैं उस 90% उन लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि ये हमारे पास जो मदरबोर्ड है इस मदरबोर्ड के अंदर ये सारी लाइन कहाँ कहाँ कैसे कैसे गई है। जब ये लाइन कहाँ पर कैसे कैसे गई है तो वो हम लोग इसके माध्यम से ढूंढ सकते हैं। मान लिया आपके मदरबोर्ड के अंदर कोई सॉर्टिंग होती है तो वो सॉर्टिंग की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से दी हुई है, इस चीज को भी इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अब आज दोस्तों मैंने आपको जो बिटमैप के बारे में बताया, बाकी जब आप लोग दोस्तों ट्रेनिंग के लिए आते हो, सीखने के लिए आते हो, तो सीखते समय आपको और भी डिटेल में आपको बताया जाता है उन सप्लाई की पिन है, वोल्टेज है, या उसकी कनेक्टिविटी कहाँ से जाती है, उस पिन का नाम क्या होता है, कौन से वोल्टेज होते हैं, कौन सी सप्लाई होती है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको बताया जाता है। लेकिन आज दोस्तों में जो आपको बिटमैप को मैंने आपको चलाने का तरीका बताया है कि बिटमैप से मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड के अंदर जो सॉर्टिंग होती है उस सॉर्टिंग को आप कैसे वॉच कर सकते हैं। मान लिया एग्जांपल सी बात है, आपने मोबाइल फोन में एमएमसी आईसी को उतारा, उस एमएमसी आईसी उतारने के बाद उस आईसी को आपने रिवॉल्व किया, आईसी उतारते समय मान लिया तुम्हारा दो प्रिंट चले गए ऊपर, दो प्रिंट चले जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रिंट तो आप देखेंगे कैसे हैं, ब्लू कलर के हैं, कैसे हैं, ब्लू कलर के हैं। जो ब्लू कलर के पॉइंट्स होते हैं वो हमारे एनसी होते हैं, या तो जो ग्रे कलर के होते हैं वो हमारे ग्राउंड होते हैं, जो येलो कलर के पिन होते हैं वो सप्लाई के होते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे ये ब्लू कलर के हैं तो एनसी हैं, तो एनसी का मतलब नॉट कनेक्टेड, ये हमारे कोई काम के नहीं, अगर ये चले जाएंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे देखते हैं कि अगर आगे अगर ये वाला सप्लाई का पॉइंट है, जैसे ये वाला प्रिंट उखड़ गया, तो इस वाले प्रिंट में जब आप क्लिक करेंगे तो इस वाले प्रिंट की सप्लाई दोस्तों कहाँ से आ रही, सीपीयू से आ रही। अगर ये प्रिंट उखड़ जाएगा तो इस प्रिंट उखड़ने का मतलब क्या है, आपके मोबाइल फोन में जो एमएमसी है, एमएमसी का कनेक्शन सीपीयू से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब सीपीयू से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। अब आपका मोबाइल फोन सिंक्रोनाइज नहीं होगा, आपका मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। क्यों नहीं चालू होगा, क्योंकि इसका ये पॉइंट उखड़ गया जिसका कनेक्शन यहां से। अच्छा, इसकी और सबसे बड़ी खास बात है, अगर मान लिया कुछ पास में होता है तो आप यहां से कनेक्शन होता है, या मान लिया इसका जैसे ये सप्लाई है, ये भी सीपीयू से जा रही है, ये सप्लाई है, ये भी सीपीयू से जा रही है, इसको हमने चेक किया, अब ये कई जगह पर जा रही है, कॉइल पे भी जा रही है, यहां पे भी जा रही है, तो इसका मतलब होता है ये पावर की लाइन हो सकती है, ये सप्लाई की लाइन हो सकती है। हमने इसको चेक किया, ये सीधे सीपीयू से जा रही है, लेकिन इसकी सप्लाई कंपोनेंट पे भी जा रही है। तो अगर कोई सप्लाई ऐसी मिस होती है तो हम लोग उसको प्रिंट स्केच करके, पॉइंट्स बना करके, जम्पर से उसको बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी कनेक्शन है सीधे डायरेक्ट अंदर से अंदर ही है, तो अंदर से अंदर होने का मतलब होता है फिर काम खत्म, फिर आप अंदर से अंदर थोड़ी जंपर लगे, ऐसा तो नहीं कि सीपीयू को बुता रहे, उसको बुता रहे, उसको भी पॉइंट बनाओ, तो ऐसे कंडीशन पर फिर हमारे असंभव वाले खेल हो जाते हैं, वो फिर हमारी चीजें नहीं बनती। अच्छा, इसके माध्यम से हमको फायदा ये रहता है कि मान लिया हमने आईसी को उतारा, आईसी को रिवॉल्व किया, आईसी को हम लगाएंगे, तो लगाते समय हमको दोस्तों ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर ये प्रिंट उखड़ गया है ये हमारे काम का है कि नहीं। अगर काम का है तब तो ठीक है भाई जी, भाई मोबाइल फोन नहीं बनेगा, बेकार, हटा दीजिए। अगर मान लिया आपके मोबाइल फोन काम का ही नहीं है तो फिर आपने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो पिन तुम्हारी एनसी एक आध हट जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका मोबाइल फोन चलना चाहिए। तो हम लोग उसको अपने दिमाग से, हमारा एक माइंड मेकअप हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम हमारा होगा कि नहीं होगा, ये प्रिंट उखड़ गया है इसकी वजह से होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें जो होती हैं वो हम लोग इस बिट मैप के माध्यम से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और ये हमारी हेल्पफुल करता है। और भी इसका आगे उपयोग है, मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो बताया है वो मैंने बिट मैप सर्किट को यूज करने का तरीका बताया कि बिट मैप में आप कैसे कैसे पॉइंट्स को आप उसको यूज कर सकते हैं, और उसके माध्यम से मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में आने वाली सॉर्टिंग को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आगे वीडियो के ऊपर, और इसका हमारा आगे का टॉपिक होने वाला है, आगे वीडियो में आपको दूंगा, और आगे जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ वो मैं आपको सर्किट को रीड करना बताऊंगा कि सर्किट को रीड कैसे किया जाता है, पीडीएफ को कैसे रीड किया जाता है, या सिमेटिक को कैसे रीड किया जाता है, उसके ऊपर आगे का वीडियो आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, अगर कोई वीडियो का नहीं समझ में आती तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार करके देखें, ताकि आपको वो सारे टॉपिक के बारे में आपको क्लियर हो सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391711711, 6391211211, इन दोनों में से नंबर पर आप संपर्क करें, कॉल कर सकते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, और अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो, क्लास करना चाहते हो, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हो,
तो भी सर आप कॉल कर सकते हो और कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप नई नई चीज़ों के बारे में सीखते रहें। तो वीडियो बने रहेंगे, थैंक यू।